अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन लग रही है मेरी बेटी वेदांत और ज्योति। तुमने मेरे पुरु को जेल भिजवाया था ना, अब देखना कि मैं तुम्हारे जिंदगियों के साथ कैसे खेलती हूँ। अगर मैंने एक एक इंसान को खून के आंसू नहीं रुलाए तो मेरा नाम भी हेमा नहीं। तो जैसी बेटी हो ना, तो एक माँ को अपने आप पर गर्व होता है बेटा। भले ही तुझे मैं बहू बनाकर ला रही हूँ इस घर में, दिल से तो मेरी बेटी ही रहेगी। और थैंक यू बेटा, तुमने जो सौगात दी है ना मुझे, उसका कर्ज नहीं उतार सकती मैं। तुमने मेरा बेटा, मेरा वेदांत लौटाया है मुझे। और सिर्फ वेदांत नहीं, इस पूरे परिवार की तो रक्षक है। मैं तो कहती हूँ इस सिन्हा परिवार की तो खुशियों की चाबी है। हमेशा खुश रहे। सुप्रिया, तुम्हारी बहू तो मलिका ही बनेगी। उस चुड़ैल को तुम्हारी बहू बना के हमारा बदला पूरा होगा। और ज्योति, तुम्हारा भी बंदोबस्त कर दिया है, बस थोड़ा सा रुक जाओ, तुम्हारा भी पुराना मजनू डोली लेके आता ही होगा। अब ये हेमा जी कहाँ गई, इसके आगे तो उन्हीं को टॉर्च दिखाना है हमें। पहले छिपाना है, सही टाइम पर कबूतर को पकड़ के यहाँ से फुर्र करके उड़ जाना। एक मिनट रुको, कौन हो तुम लोग? जी वो बाबा। कौन हो तुम लोग? मर गए। और ये बोरियों में क्या है? मैं वो फूल 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 है फूल, वो सजावट के लिए। फूल? पर सजावट तो हो चुकी है, अब सजावट क्या बाकी है? हाँ, हमारा काम हो गया, तुम लोग जाओ। अरे रुको, अरे इनको हम बुलाए हैं। सारे घर की सजावट हो चुकी है लेकिन दूल्हा दुल्हन के कमरे की सजावट तो हुई नहीं, तो हम इनको फूल लेके बुलाए। अब तुम लोग हमारे साथ आओ, हम बताते हैं क्या करना है, हम देख लेंगे। आओ। अब हमारा बात ध्यान से सुनो, ज्योति वो कमरे में जहाँ तैयार हो रही है, तुमको बस वहां जाके काम करने का नाटक करना है ताकि किसी को शक ना हो। जाओ जाओ जाओ। हाँ माँ। हाँ हम बस अभी आई। हाँ बेटा, माँ का फोन था, उन्होंने कुछ काम है। तुझे कुछ भी जरूरत होगी तो मुझे कॉल कर देना। भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? देखने आए थे ज्योति तैयार हुई कि नहीं। वो तैयार हो गई। हम भी तैयार हैं। क्या? और वो ज्योति के रूम में सजावट करने के लिए तैयार है। ठीक है। नफरत करती रहे तुम मुझसे? अगली चार तेरे उधार है तेरे मुझ पर, उसे पूरा करने के लिए तेरी डोली उठाने आया हूँ। अरे अरे आई आई। नमस्ते पद्मा जी, आप लोगों का स्वागत है हमारे घर में। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है जी। बच्चों की खुशियों में हमारी खुशियाँ छिपी होती है। आंटी जी, ज्योति दी कहाँ है? बेटा वो अपने कमरे में है, जा जाके मिल ले। जी माँ। आ जाइए, आइए आप। हेलो भाई, भरो बोरी भर। किरण कहाँ से आ गई है? एक काम करो मलिका, तुम वहां कोने में छुप जाओ, इससे हम निपटते हैं। ज्योति दी, साला सबको आज ही मिलना है कि ज्योति से चढ़ा फड़ा। जाके मामला संभाल। सुन,
यहां सम लेना और राम नाम सत्य। ए लड़की, कहाँ जा रही हो? वो मैं ज्योति दी से मिलने जा रही थी। मिल लेना, कहाँ भागी जा रही है? जाओ पहले पानी लेकर आओ। कब से प्यास के मारे मरे जा रही है वो? आप तो खुद बाहर से आ रही है, आपको कैसे पता उन्हें पानी चाहिए? हम पानी लेने ही जा रहे थे, तुमको देखा तो बोल दिए। नहीं लाना तो ठीक है, ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मैं लेकर आती हूँ। ये कंटा, वो हरी बाबू अपने पंटरों को समझाओ, जो सामने आया उसे मारना नहीं है। अरे या तो इसे फोटो दिखाओ, किसे मारना किसे नहीं। जिसे इसे अभी तक लेकर नहीं गए, जब घर में किसी को पता चल गया तो सारा घर सर पे उठा लेंगे। जल्दी करो। बकलोल, हम तुम लोगों को कहे थे ना कि बोरा ले जाके बाहर रख दो, सुनाई नहीं दे रहा है। एक कान से सुनते हो और दूसरे से निकाल देते हो। और ये सारा फूल ये ज्योति को पसंद नहीं, जाओ दुकान से दूसरा लेकर आओ। जी जी, उठाओ इसे। ये लो, पी लो मेरी प्यारी सी दुल्हन। सर अपना चेहरा तो दिखाइए, कैसी लग रही है आज आप? अरे किरण, ये क्या कर रही हो? देखो हमारे यहाँ रिवाज है कि दुल्हन का एक बार घूंघट डल जाता है ना तो वो सीधा दूल्हा उठाता है। तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो, छोटा मोटा काम में हमारा मदद कर। जी जी, मैं अभी आती हूँ। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मुझे यहाँ लेकर आए, मुझे जाने दो वरना। तुम्हारी जोड़ी भगवान ने हमारे साथ ही लिखी है। अब देखो वेदांत की वहां मल्लिका से शादी हो रही है। वेदांत बाबू को पता भी नहीं है कि घूंघट के पीछे कौन है। पर तुम फिक्र मत करो, हमारी शादी भी होगी पर हमारे साथ। सबसे पहले हम कराएंगे तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी, उससे तुम्हारी पुरानी वाली खूबसूरती लौट आएगी और फिर हमारे अधूरे फेरे पूरे और हम बन जाएंगे तुम्हारे पूरे पति। फिर बस जिंदगी भर ऐश। अब देखो देखो तुम कैसे दुल्हन बन के बैठी होगी, इसलिए हम पटाक से जाते हैं और दूल्हे बनकर आते हैं। बचाओ! अभी वधू का हाथ वर के हाथ में दीजिए। ये ज्योति का हाथ, मुझे ज्योति वाली फीलिंग क्यों नहीं आ रही? हे माता रानी, अब तक आपने हर लड़ाई में मेरा साथ दिया है, इस बार भी मुझे आपके सहारे की जरूरत है। प्लीज मेरा साथ दीजिए, मुझे अपना सुहाग बचाना है। इस शादी से ही वेदांत सर की जिंदगी बच सकती है। शक्ति दे माँ, शक्ति दे मुझे। वेदांत सर की शादी मल्लिका से या मेरी शादी हरी से नहीं हो सकती। कुछ कीजिए माता रानी, कुछ कीजिए। वेदांत सर को मल्लिका का चेहरा दिखाइए। फिर
तेरा पिया घर आया ओ राम। अरे दुल्हनिया कहाँ गई? तेजाब ज्योति, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, फेंको इसे। पता है, पर आज इंसाफ का दिन जरूर है। तुमने मेरी जिंदगी के साथ बहुत बार खेला है हरी, आज मेरी बारी है। ज्योति क्या? ज्योति हमें माफ कर दो, हमने जो भी किया, हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे। ज्योति जैसे जानवरों को इंसानियत सिखाने के लिए जानवरों जैसी हरकत करनी पड़ती है, फिर वो चाहे तुम हो या पुरु, तुम लोग लड़की को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हो। लड़कियों की ना तुमसे सुनी नहीं जाती ना, लड़की अगर ना बोल दे तो तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाती है और तुम ऐसे सोचती जिंदगी चला देते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसी हरकत कोई भी करे तो उसे यही सजा मिलनी चाहिए जो आज तुम्हें मिली है। अब तुम्हें जलन का एहसास हो रहा है? इस जलन को झेला है मैंने और जिंदगी भर झेलने वाली हूँ। मौत नहीं, पर रोज मरने से कम भी नहीं है ये। चलो अब इतना डरो मत, ये सच में एसिड नहीं था, बस तुम्हें डराना चाहती थी ताकि तुम किसी और के साथ ऐसा ना करो। इन सात फेरों के साथ मेरा मतलब पूरा हो जाएगा वेदांत। मल्लिका, तुम यहां वापस कैसे आई? किसने आने दिया इसे यहां? यही नहीं कावेरी मैम, साजिश इससे भी कहीं बड़ी है। मल्लिका को यहां वापस बुलाकर मेरी जगह बिठाया गया और दूसरी तरफ हरी को बोल के मुझे किडनैप करवाया गया। पर यहां सवाल ये उठता है कि हरी और मल्लिका एक दूसरे को नहीं जानते और ना ही इस घर वाले की मदद के बिना ये कोई अंजाम कर सकते, तो ये किसने किया? कौन इन दोनों के साजिश में शामिल था? मल्लिका, इन सब में तुम्हारा साथ किसने दिया? हेमा मामी। हेमा, तुम? अरे अपना उंगली हमारी तरफ काहे दिखा रही हो? हम कुछ नहीं किए हैं। अरे माँ जी झूठ बोल रही है। डरने की कोई जरूरत नहीं है मामी, आज यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। आज मैं यहाँ पूरी तैयारी के साथ आई हूँ, जीत सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पति और मेरे परिवार पे नजर डालेगी?
आज तेरी मायावी शक्तियों को एक सुहागन से टकराना होगा मल्लिका। आज माता रानी के दरबार में तेरे काले जादू के साथ तुझे भी रास्ते से हटा कर रहूंगी। ज्योति, नहीं काम आया तुम्हारा सिंदूर? अब ऐसा कुछ मुझ पर काम नहीं आएगा, क्योंकि आज मैं पूरी तैयारी में आई। आज यहाँ पर मौत नाचेगी, तुम सब मरोगे आज। और एक बात मेरी ध्यान से सुन लो ज्योति, अगर वेदांत मेरा नहीं हुआ ना, मैं उसको किसी का नहीं होने दूंगी। ये गलती तुम भूल करके भी दोबारा मत करना वेदांत, वरना आज वक्त से पहले लोग मरेंगे। इसीलिए जैसा मैं कहती हूं वैसा कर। पंडित जी, आप मंत्र पढ़िए। ओम मंगलम भगवान विष्णु। ज्योति बेटा, हम तुम्हारे लिए माता रानी का संदेश लेकर आए। तुम्हें बस एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में तुम्हें वेदांत के साथ विधि विधान से यह शादी संपन्न करनी है। ज्योति बेटा, त्रिशूल उठाओ और इस मायावी शक्ति का संहार करो। इंस्पेक्टर, ले जाओ इन्हें। भगवान।
मुझे आप सबको एक बात बतानी थी जो अब तक सिर्फ माँ को पता थी। माँ, वेदांत अल्पायु है, उसके जीवन में बस 3 महीने और शेष बचे हैं। वेदांत के साथ पूरे विधि विधान से शादी करनी होगी, तो वेदांत के ऊपर आया अकाल मृत्यु का साया हमेशा के लिए टल जाएगा। जिस तरह सती सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से छीने थे, उसी तरह हमारी ज्योति ने वेदांत की जान बचाई है। तुम दोनों खुश रहो हमेशा। थैंक यू ज्योति। माता रानी की जय। माता रानी की जय।